जिस उम्मीद के साथ हम लोग देख रहे थे महाप्रसाद को जब विधायक बनी थी, तो अब घोड़ा पर चढ़ फोटो खिंचवाने का काम कर रही है। युवाओं का जो मुद्दा उठाना चाहिए वो मुद्दा अब उठा नहीं पा। और अगर एक घोड़ा पे बैठने से एक मानसिकता आ जाती है कि हम वो क्योंकि आई एम अ फीमेल एंड आई एम पॉलिटिशियन तो आई कैन नॉट सिट। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन घोड़ा पर चढ़कर विधानसभा अम्बा प्रसाद पहुंची थी और उसके बाद एक बार फिर सुर्खियों में आई है। अम्मा जी, घोड़ा पर चढ़कर क्यों आना पड़ा? देखिए, इंटरनेशनल पोलो ग्रुप एसोसिएशन ने मुझे डोनेट किया था हॉर्स, और ये एक अप्रिशिएशन था। मैं दिल्ली में भी हॉर्स राइडिंग करती थी, तो वो लोग भी चाहते हैं कि झारखंड में हम मेरे माध्यम से नया स्पोर्ट प्रमोट करें, तो बस मैं भी इस ओर मैं अपना पूरा कंट्रीब्यूशन दूंगी कि हम झारखंड में भी हम प्रमोट करना चाहते हैं पोलो स्पोर्ट को और हॉर्स राइडिंग को, तो आई विल वर्क ऑन दैट। हॉर्स राइडर पहले से थे और इसको लेकर अब झारखंड में कुछ हो? जी, क्या क्या कुछ होने? मतलब आई विल सी टू इट दैट जो भी यहाँ पे इंटरेस्टेड लोग हैं उनको ट्रेनिंग देना, उनको हॉर्स राइडिंग हो या फिर आगे अगर अच्छा हॉर्स राइडिंग वो कर ले तो फिर पोलो भी अच्छा खासा वो खेल सकती हैं। और अगर इस तरह का स्पोर्ट अगर झारखंड में अगर प्रमोट होगा तो फिर मुझे लगता है कि झारखंड का और नाम होगा। आपका जब फोटो लगा, वीडियो लगा सोशल मीडिया पर, मैं तमाम कमेंट्स पढ़ रहा था, तो युवा लिख रहे थे कि अम्बा प्रसाद, जिस उम्मीद के साथ हम लोग देख रहे थे अम्बा प्रसाद को जब विधायक बनी थी, तो अब घोड़ा पर चढ़कर और ये सब चढ़कर सिर्फ फ़ोटो खिंचवाने का काम कर रही है। युवाओं का जो मुद्दा उठाना चाहिए, जिस तरह से वो यूपीएससी का तैयारी कर रही थी, पढ़ाई कर रही थी, वो मुद्दा अब उठा नहीं पा। देखिए, आप भी विधानसभा में रहते हैं और आपको भी पता है कि मैं किन मुद्दाओं को लेके वहाँ पे बात कर रही हूँ, चाहे जेएसएससी की बात हो, चाहे पंचायत सचिव की बात हो, सबका बात हम रख रहे हैं विधानसभा में। और अगर एक घोड़ा पे बैठने से एक मानसिकता आ जाती है कि हम वो क्योंकि आई एम अ फीमेल एंड आई एम पॉलिटिशियन तो आई कैन नॉट सिट, हम बैठ के वो हम यहाँ खड़े हैं तो इसमें भी बोलेंगे देखो वो खड़े हैं हमारा कुछ काम नहीं कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम दिन रात प्रयासरत रहते हैं अपने लोगों का काम सॉल्व करने में। इस महिला दिवस में हमने काफ़ी मेहनत करके एक महिला एक अम्बा फाउंडेशन बनाया, जिसमें 115 विधवा महिलाओं को हमने रोज़गार से डायरेक्ट जोड़ा है, जो प्रथम चरण में उनको अभी से एक महीने में मतलब पर मंथ उनको 9,000 रुपीज़ मिलेगा। तो मुझे लगता है ये छोटा सा एक मेरा प्रयास रहा है जिसको मैं बहुत बड़ा करके और सारे पंचायत में जोड़ूंगी, साथ साथ सारे प्रखंड में भी लेके आऊँगी। दादी शायद इस कार्य, मेरी दादी से मैंने इनॉग्रेशन कराया क्योंकि वो मेरी आदर्श रही हैं, शी हैज़ ऑलवेज बीन इंस्पिरेशन फॉर मी। और देखिए, घोड़ा पे बैठ के आई हैव गिवन वन मैसेज विमेन को, क्योंकि जिस पर्पस से जिस मोटिव से मुझे पोलो इंटरनेशनल पोलो ग्रुप एसोसिएशन दिए, वो मुझे घर पे रखने के लिए नहीं दिए, वो मुझे सजाने के लिए नहीं दिए, बल्कि यहाँ पे महिलाओं को युवाओं को प्रमोट करने के लिए। एक स्पोर्ट भी राज्य का विकास का एक रूप होता है, तो ऐसा नहीं है कि घोड़ा एक खराब सिंबल है, वो भी एक स्ट्रेंथ का प्रतीक है, वो भी एक कॉन्फिडेंस का प्रतीक है। तो हर चीज़ को पॉजिटिविटी से देखना चाहिए, और मैंने ऐसा कोई कमेंट नहीं पढ़ा है। मेरे कमेंट्स तो मुझे लगता है मैंने जो भी पढ़ा है सब अच्छे कमेंट्स आए हैं। तो घर पर ही रखिएगा या यहाँ या बड़का गाँव? मैंने अभी तो जगह रख दिया है उसका, अभी जहाँ हूँ वहाँ रखा। बहुत मुश्किल होता है। हाँ, तो जो है घास खाती है वो, तो हम घास खिलाएंगे और फिर उसको अच्छे समाज के रूप में कैसे वो कॉन्ट्रीब्यूट करे उस पे काम करेंगे। The followup.in like share and subscribe www.thefollowup.in